फाइनली काफ़ी दिन बाद मैं आप सभी को आज एक ट्रैवलिंग ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल कहाँ जाना है, नहीं जाना है, टोटल चीज़ मैं आप सभी को वीडियो पे आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हमारी टीम लोग सभी हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, टिकट वगैरह सब कुछ हो गया है। फाइनली ट्रेन जो है वो 10:22 में है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद अभी मैं आपको पूरा ब्लॉग जो है वो सही से दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अभी हम लोग का फुल इन्जॉयमेंट जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल इन्जॉय कीजिए। भाई लोग फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जिसके बारे में मैंने अभी तक सरप्राइज रखा था। और फिलहाल अगर आप लोग को दिखाना चाहूं तो यहां पर से आप लोग देख लीजिए कि भाई यहां पर से वो मैं जो है वो बीच के किनारे पहुंच चुका हूं। ये देख सकते हैं पीछे पूरा समुद्र है और भाई कितना ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। तो टोटल मुझे यहाँ आने में लगभग 9 घंटे लगे, यानी कि 10 घंटा मान करके चलिए। और पूरा भीड़ आप देख लीजिए यहाँ का कि भाई कितना ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। पीछे समुद्र है, अभी मैं आपको पूरा पीछे जा करके दिखाता हूँ कि देखिए पीछे का जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए मैं जा रहा हूँ इधर और पूरा जो पानी है ये मेरा फर्स्ट टाइम है समुद्र पे, तो अभी देख लेते हैं पूरा नीचे भीग जा रहे हैं, कहीं मोबाइल ना गिर जाए दोस्तों, अगर मोबाइल गिर गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो रियली नाइस, फर्स्ट बार मैं समुद्र के पानी को फील कर रहा हूँ, कैसा मज़ा आ रहा है। पानी तो बहुत साफ है पानी तो काफ़ी गंदा है यहाँ पे। आगे जा कर के अगर नहाना है तो आगे जा कर के नहाना पड़ेगा पूरा। देखिए अभी मैं पीछे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे पूरा देख लीजिए कैसा आपको देखने में लग रहा हुआ है यहाँ पर। और ये जो है मतलब एक दूर से चलता हुआ आता है और पैर के पास आकर के ख़त्म हो जाता है, और पैर के नीचे से जो रेत है उसको भी खिसका देता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो देखिए वो जो आ रहा है यहाँ पे वेव, जिसको लहर बोलते हैं। पानी तो यहाँ से देखने में काफ़ी गंदा लग रहा है, बट आगे लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए उधर तो देखिए इधर पूरा जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। और भाई थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि भाई समुद्र के सामने से इतना तेज़ हवा आता है कि कोई सा भी माइक हो आपका, बोया माइक हो, जो भी माइक हो, भाई इसके सामने सब कुछ फेल है। तो फिलहाल आपको थोड़ा नॉइस तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए पीछे का पूरा जो सीन है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरा पत्थर वगैरह इसलिए दिया गया है ताकि पानी ऊपर ना जा पाए, मतलब नीचे की ज़मीन जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहे, ठीक है। और साइड साइड पूरा टहलने के लिए है। और इधर देख सकते हैं कि पूरा जो वेव आपको दिख रहा है वो कितना मज़ेदार है। फिलहाल ये बीच है और साइड पर देख सकते हैं कि इस तरह से चलने वाला है, और यहाँ से जो है वो एंट्री जो है वो है, ठीक है। तो अगर आप बीच में कहीं रूम वूम लेना चाहते तो वहाँ पे सब कुछ आपको सामने गेस्ट हाउस वगैरह दिख रहा है, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए पूरा लोग इस तरफ से आ रहे हैं और कुछ, और इधर पूरा जो है वो समंदर है। तो भाई लोग अभी मैंने आप सभी को जो है वो सी का पूरा दिन में कैसा सीन रहता नहीं रहता पूरा टोटल में आपको दिखाया, और अभी जो है वो नाइट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप सभी को जो है दीघा पे
आपको अगल बगल में बहुत सारे रेस्ट हाउस वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे इजीली आप जो है वो रात स्पेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक रूम है छोटा सा जहाँ पर से हम अभी ठहरे हुए हैं, और फिलहाल अभी जो है वो टाइम हो चुका है 8 बज गया यानी कि 8 PM। तो अभी मैं आप सभी को फिर से ले चलता हूँ दीघा बीच, और वहाँ पर से मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई नाइट में ये जो बीच है वो दिखने में किस तरह से लगता है, समुद्र का पानी काला देखने में कैसे लगता है, और क्या लाइटिंग वगैरह का वहाँ पे वो सुविधा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी बीच एंड पूरा फिर से मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि भाई कैसा लोकेशन लग रहा है। तो भाई इधर आप जहाँ देखेंगे चारों तरफ बस आपको रेस्ट हाउस ही रेस्ट हाउस दिखेगा। उधर आप देख रहे जितना भी आपको जो है वो बल्ब वगैरह दिख रहा है सभी जो है वो रेस्ट हाउस है, और ये मेन रोड है बीच जाने के लिए। तो अगल बगल चारों तरफ रेस्ट हाउस एंड सामने आपका बीच है। ठीक है, देख सकते कि चारों तरफ आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी देखिए आगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी देखिए रात में किस तरह से लाइटिंग का सुविधा, रात में भी कितने लोग यहाँ पर से वो बैठे हुए हैं। और भाई उधर से देखिए जो पानी आ रहा है वो वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो उतना ज़्यादा तो मैं अभी जूम करके नहीं दिखा सकता, पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी चलिए अभी मैं आप लोग को यहाँ से बाहर ले चलता हूँ, और अभी बाहर का जो नज़ारा है वो देखिए आप। तो फिलहाल मैं जो है वो बाहर की ओर जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। तो सभी भीड़ बस भाई समुद्र को देखने के लिए है। यहाँ पे देख लीजिए भाई, कोई जाने भी दो मुझे। अभी देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, और पूरा मतलब खिलौना वगैरह बच्चे लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग घूमने के लिए आते हैं, सभी के लिए। यहाँ पे लोग अपना कमाने के लिए चारों तरफ से इंतजाम करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सारा आप लोगों तो को टॉय वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए कि ये फोल्डिंग का है। क्या हो गया? एक ही चाहिए ना, और होगा? बस एक ही चाहिए। कोई डिजाइन करना है? नहीं, डिजाइन कुछ लगाना नहीं ना। एक मिनट बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने चैनल के नाम पे एक लोगो बनवाया, जो कि कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो भाई लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो दीघा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करता रहूँगा।